आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए आज का सवाल है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स की घात 4 बराबर एक्स वाई का स्क्वायर की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अवकलन समीकरण है और यह अवकलन समीकरण है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर की घात 3 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई और डी वाई बटे डी एक्स की घात 4 बराबर एक्स वाई की घात 2। इस अवकलन समीकरण की हमें कोटि और घात बतानी है। तो देखिए अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवकलन समीकरण की कोटि कहते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब सबसे ज्यादा बार डेरिवेट कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डेरिवेट हुआ है 2 बार, ठीक है। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, तो ज्यादा बार कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो ये इसकी क्या होती है, कोटि होती है, ठीक है। तथा इस अवकलन की जो घात होती है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की जो घात होती है वही अवकलन समीकरण की घात होती है। तो यहाँ पर यह घात हो जाएगी 3, ठीक है, तो हमें इसकी घात देखना है, 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा उत्तर है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।